फॉर इंडिया, पक्ष न विपक्ष सिर्फ निष्पक्ष प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022 को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। अग्निपथ योजना का अमेठी में लगातार प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। युवक सड़कों पर उतरे हुए हैं और पूरी तरह से जाम लगा दिया है। जाम लगाकर जमकर विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी की गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर युवकों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। रामगंज थाना क्षेत्र के भादर चौराहे का ये पूरा मामला। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रकों में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। वहीं टक्कर के दौरान एक ट्रक दुकान में जा घुसा। दुकान में रखा लाखों का सामान बर्बाद हो गया। वहीं टक्कर के दौरान एक राहगीर ट्रक की चपेट में आने से मौके पर ही राहगीर की मौत हो गई। टक्कर के दौरान एक ट्रक चालक घायल हो गया, जहां पर स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से भेजा गया। राहगीर की मौत पर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अमेठी जनपद के जासा कोतवाली क्षेत्र के बहादुरपुर चौराहे के पास की घटना। अमेठी अग्निपथ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं के विरोध पर अमेठी रेलवे स्टेशन पहुंचे डीएम और एसपी। भारत माता की जय का नारा लगाते हुए प्रदर्शन युवाओं के जमीन पर बैठकर एसपी दिनेश सिंह युवाओं को समझाने में जुटे हुए। बड़ी संख्या में पुलिस बल के अलावा आरपीएफ जीआरपीएफ के जवान भी मौके पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ पहुंचे, जिसके बाद मंदिर में पूजा अर्चना की और देश विदेश से आए श्रद्धालुओं से मुलाकात की। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे कार्यों का जायजा लिया है। मंदिर समिति के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और गुणवत्ता के साथ कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान मंदिर समिति के अधिकारी कर्मचारी भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। यात्रा देखिए, पिछले सालों की तुलना में काफ़ी श्रद्धालुओं की संख्या अधिक रह गई, लेकिन उसके बावजूद भी यात्रा अच्छी चल रही है और सभी यात्रियों से भी मैंने बात की है। सभी संतुष्ट हैं यात्रा से और हम अपनी व्यवस्थाएँ उसकी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। आज तो मैं क्योंकि पिछले दिनों केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ पर एक चरण का काम पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है, वो भी पूरा होने को है, फिर तीसरा चरण का काम चलेगा। यहाँ का भी बद्रीनाथ धाम का भी जो मास्टर प्लान बनाया गया है उस पर काम शुरू हो गया है। आज मैं उसको देखने के लिए आया हूँ, जिससे कि जल्दी से जल्दी हमारा ये बद्रीस धाम भी जो है दिव्य और भव्य जो है बद्रीस धाम के रूप में आगे इसका निर्माण है। जनता युवाओं से उधम सिंह नगर पुलिस की अपील लगातार देखने के लिए मिल रही है। उनका कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने पर अपना सहयोग करें। किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन जुलूस निकालने हेतु पूर्व प्रशासन की अनुमति अवश्य लेनी होगी। इस प्रकार से सड़क जाम करने से आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि कोई भी व्यक्ति बिना प्रशासन की अनुमति के जुलूस या धरना प्रदर्शन करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे लोगों को पुलिस द्वारा वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से चिन्हित किया जा रहा है तथा पुलिस को सोशल मीडिया से मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो। सोशल मीडिया में कानून व्यवस्था को प्रभावित करने के विरोध में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। प्रदर्शनकारियों ने ईंट और पत्थर बरसाए थे, साथ ही सरकारी बसों में तोड़फोड़ कर रहे थे प्रदर्शनकारी, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया, इन पर लाठीचार्ज किया। ललितपुर में विद्युत विभाग बकाया बिल भुगतान को लेकर 1 जून से एक मुश्त समाधान योजना लागू की है। इसके तहत 100% से ज्यादा योजना का लाभ लोगों को मिल सके, जिसकी तैयारी यहां पर की गई है। उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उन्हें इसका फायदा अधिक मिलेगा। मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को इस योजना का लाभ उठाते हुए बिजली बिल का भुगतान करने के इसका फायदा होगा। अग्निपथ योजना का युवा लगातार विरोध कर रहे हैं। आगरा दिल्ली नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिए। सड़क पर बैठे आक्रोशित युवा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, पुरानी भर्ती बहाल करने की मांग कर रहे हैं। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। जुम्मे की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से बीत गई। पुलिस की तैयारियां भी पूरी थी। खुफिया नजरों के बीच जुम्मे की नमाज हुई। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की नजर रही। सीसीटीवी के माध्यम से और ड्रोन के माध्यम से भी ऐसी जगहों पर निगाह रखी गई जो कि संवेदनशील है।
अब खबर जौनपुर से, जो अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर जौनपुर में छात्र ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक माह से फिर से पेरोल मिलने के बाद डेरा अनुयायियों में खुशी का माहौल है। यह खुशी जनपद के डेरा अनुयायियों के लिए इसलिए भी बड़ी है क्योंकि गुरु राम रहीम बरनावा के डेरा आश्रम पर पहुंच गए हैं। अपनी पेरोल के दौरान डेरा प्रमुख यहीं पर रहेंगे। जौनपुर में समाजसेवी स्वर्गीय बेचन सेठ और उनकी पत्नी स्वर्गीय सविता देवी की 9वीं पुण्यतिथि पर जिलाधिकारी नीतीश कुमार और शाहगंज के चेयरमैन प्रतिनिधि प्रदीप जायसवाल और बीजेपी नेता आरोपी जायसवाल और बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष अनिल मोदनवाल समेत शाहगंज की जनता ने स्वर्गीय बेचन सेठ और उनकी पत्नी सविता देवी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। अमृत योग सप्ताह के तहत सामूहिक योगाभ्यास किया जाएगा। बता दें कि बालकृष्ण त्रिपाठी ने भी योगासन किया है। अधिकारियों और संभाग लोगों के साथ योग किया। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। डीएम ने अधिक से अधिक लोगों से योग की अपील की है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष, प्रस्तुत करता है लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2022 बरेली में 19 जून 2022।